नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज है इतवार का दिन। आज हम लोग आपको देते हैं आंसर राइटिंग में ऐसे निबंध लिखने के लिए। हर संडे को सुबह में आपको टॉपिक दे दिया जाता है, शाम में आपको वीडियो मिलता है जहां पर आपको ऐसे को हम लोग जो स्ट्रक्चर है कैसे लिखना है, कैसे लिखना सब बताते हैं आपको। कंटेंट क्या होगा, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन क्या होगा, सब बातें बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो टॉपिक दिया था वो है यूपीएससी मेन्स 2020 का। जो पहला सवाल है वो मैंने दिया था आपको। सवाल है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें, अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज फॉर अ क्लाइमेट चेंज रिसालियंट इंडिया। जैसे ही आप टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको इसके जो कीवर्ड्स हैं ना, जिस पर आपको फोकस करना है, जिसको आपको जस्टिफाई करना है, उसको पहचान लीजिए। पहला है अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज, मतलब कि वो टेक्नोलॉजीज जो अभी से अलग हैं, अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इससे अलग क्या टेक्नोलॉजीज हैं और क्या वैकल्पिक टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हमें यूज़ करना है। जैसे कि हम लोग अभी फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, मगर वैकल्पिक क्या है, सोलर, विंड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब हैं हमारे पास, तो इन सबको यूज़ करना है। वैसे ही खेती किसानी में हम लोग जो कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं उससे अलग क्या हो सकता है, फार्मिंग में प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो सकता है, हाइड्रोपोनिक्स, एग्रोपोनिक्स हो सकता है, मतलब कि केवल पानी का यूज़ करके हम लोग पौधा उगाते हैं, मिट्टी को यूज़ नहीं करते, हवा में ही पौधा उगा देते हैं। तो इस जो टेक्नोलॉजीज़ है ना, इन सबको यूज़ करना है आपको। ये सब क्या हैं, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं। किस लिए, भारत को क्लाइमेट चेंज से रिसालियंट बना देने के लिए, मतलब कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भारत तैयार हो जाए, अडेप्ट हो जाए, इसके लिए। तो मेरे सवाल में दो कीवर्ड हैं, पहला है अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, दूसरा है क्लाइमेट चेंज रिसालियंट बनाना है। किसको बनाना है, भारत को बनाना है। ऐसे ब्रॉड नहीं है, फोकस्ड है, ठीक है ना। ये केवल भारत के बारे में बात कर रहा है कि भारत को ही हमें बनाना है, क्लियर बात है। तो इस क्वेश्चन, इस ऐसे को आप शुरू कैसे करेंगे, कई सारे तरीके हैं। या तो आप एक कोट से शुरू कर सकते हैं, या तो आप किसी छोटी सी स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर स्टोरी में फंस जाते हैं आप। जो कोट है उसे शुरू कीजिए, चाहे कोई केस स्टडी ले लीजिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, बिहार में जो साउथ बिहार का एरिया है ना, जैसे कि मेरा गया है, तो ये ड्राउट प्रोन एरिया है। हर साल फल्गु सूखता है और जो मानसून आता है ना, तो इसमें पानी आता है। तो बात क्या होती है कि हमारे यहाँ जो आहर है, पाइन है, नहर है, इन सबको रिवाइव किया जा रहा है धीरे धीरे। कई सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको यूज़ किया जा रहा है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, जैसे कि मेघालय का जो इलाका है, वहाँ बारिश खूब होती है, मगर वहाँ पर स्टोरेज की समस्या है, इसी कारण से वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी पाया जाता है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर महाराष्ट्र में अन्ना हजारे जी का जो गाँव है, वो भी सूखा प्रभावित पहले था, वहाँ पर कुछ काम किया गया है। तो जो तकनीकें हैं ना, उनका यूज़ कर सकते, उस जो केस स्टडी है उनको बता सकते हैं आप कि हमारे यहाँ ये काम हुआ था और यहाँ पर हम लोगों ने अल्टरनेटिव तकनीक का यूज़ करके ये समाधान प्राप्त किया। ये बेस्ट आपका शुरुआत होगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं जिस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ पर काम किया, वैसे ही पूरे भारत में जो समस्याएँ हैं ना, उनको दूर करने के लिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि खेती किसानी में जो समस्याएँ हैं, इनको दूर करने के लिए हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ में ये कर सकते हैं, पावर में ये कर सकते हैं, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम कर सकते हैं, सर्विस में ये काम कर सकते हैं, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमी के हर सेक्टर को उठाना है, उसमें समस्या गिनानी है, और हम लोग कौन से टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उसको रिसालियंट बना देंगे, बस ये बात बताना है आपको। सेक्टर बाय सेक्टर, टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाना है, अपना जो एग्जाम्पल वगैरह है ना, भरते जाना है, अपने आप को जस्टिफाई करते जाना है, समझ के बात। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले करेंगे क्या, आप एक कोट से या फिर जो कोई केस स्टडी है ना, उससे अपना जो शुरुआत है वो करेंगे। आपने यहाँ पर शुरुआत कर दी, उसके बाद बॉडी में करेंगे क्या, आप सेक्टर बाय सेक्टर जाएंगे। आप पहले एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे, फिर इंफ्रा के बारे में बताएंगे, फिर एनर्जी के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, फिर आप हेल्थ के बारे में बताएंगे। जितने भी आप टॉपिक कवर कर सकते हैं उसको कवर कीजिएगा। आखिर में, मतलब इसी के बाद, सरकार के द्वारा क्या काम किया जाता है, जा रहा है,
गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन से लिए जा रहे हैं एंड व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, और क्या करने की जरूरत है हमको बस ये बता देना है। ये आपका बॉडी आपके एसे का स्ट्रक्चर हो गया, ये अभी कंक्लूजन में आएगा, ये आपके कंक्लूजन में आएगा कि और क्या किया जाना चाहिए, समझ गए बात। ये आपके एसे का स्ट्रक्चर है। हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग देखते चलेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं। चलो देखो, अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की तो यहाँ पर आप क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमको समस्या होती है बीज की, हमारे पास हाइल्ड वैरायटीज़ हैं मगर हमारे जब ग्लोबल वार्मिंग आएगा ना तो जो फसल ठंडे प्रदेश में रहने वाला है वो ट्रॉपिकल एरिया में नहीं हो, जैसे कि हमारे गेहूं जो होता है ना उसकी उपज कम हो जाएगी क्योंकि हमारे यहाँ वार्मिंग बढ़ जाएगा, तो क्यों ना एक ऐसा प्रजाति डेवलप किया जाए जीन एडिटिंग से, ठीक है ना, इससे हम लोग सीड्स बना सकते हैं जो कि ड्राउट प्रोन हो, सूखा प्रोन हो, मतलब सूखे का इस पर असर ना पड़े। क्लियर बात है, सीड्स काम हो गया। हम लोग इसी तरह से जो फर्टिलाइजर है उसको डेवलप कर सकते हैं, वैसे फर्टिलाइजर जो कम पानी में भी काम करे। फॉर एग्जांपल अभी का जो हमारा फर्टिलाइजर है ना, यूरिया है, एनपीके फर्टिलाइजर है, ये सब को यूज करने के लिए हमको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत होती है, ठीक है ना। इसी कारण से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना वो हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब के एरिया में आया, ईस्टर्न भारत में नहीं आया, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सब में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का सुविधा नहीं था। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उधर वेस्टर्न यूपी सब में था, समझ गए बात। तो हमें जो इरिगेशन है, इरिगेशन में हम लोग अगर माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर दें, ड्रिप का यूज़ करें, स्प्रिंकलर का यूज़ करें तो फायदा होगा ना। ड्रिप के जरिए इसमें खाद मिला दीजिए, बूंद बूंद आपका पानी जो है ना खाद के मतलब खाद मिल करके जड़ के पास पहुंच जाएगा। तो जी आपने सीड तैयार कर लिया, इरिगेशन का काम हो गया, इसके बाद क्या होगा, आप ओवरऑल अपना पूरा प्रोसेस ही बदल सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग के जरिए, ठीक है ना। आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, किसमें जो उपज है उसको पता करने के लिए, प्लस इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यूज कर सकते हैं आप। जो ऐप होता है, ऐप के जरिए जो वेदर प्रिडिक्शन ये पा सकते हैं आप, समझ गए बात। तो ये सब चीजें तकनीक से ही हो रही हैं। अब आती है बात मार्केटिंग की, मार्केटिंग में भी इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, मगर देखो ध्यान से आपको समस्या वही बतानी है ना जिस पर प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, समझ गए। जैसे कि हमारे यहाँ स्टोरेज की समस्या आएगी क्योंकि वार्मिंग बढ़ रहा है तो जो कीड़े मकोड़े हैं ना वो ज़्यादा आएंगे, तो जो हमारा फसल है उसको अच्छे से स्टोर करने का जरूरत पड़ेगा। इसके लिए हमको जो इरेडिएशन है उसको यूज़ करना पड़ेगा, जो कंटेनर्स हैं उसको हमको डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गांव में, समझे बात। तो ये आप एग्रीकल्चर के बारे में इतनी बातें बता देंगे, ठीक है। अब आती है बात किसकी, अब आती है बात एनर्जी की, पावर की। इसमें अभी तक हम लोग फॉसल फ्यूल यूज़ कर रहे थे, पेट्रोलियम होता है, कोल होता है, ये सब चीज़ें। आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम लोग यूज़ कर सकते हैं सोलर को, विंड को, ओशियन थर्मल एनर्जी को। एनर्जी में सोलर, विंड, सोलर विंड और ओशियन थर्मल एनर्जी को, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, आपका ये कई सारे और चीज़ें होती, जैसे कि ये है ना जियो थर्मल एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर बात, कई सारी चीज़ें हैं जो आपका हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल, हाइड्रोजन को यूज़ कर सकते हैं, है ना, फ्यूल के रूप में, समझ रहे बात। सीएनजी में हाइड्रोजन और मिक्स कर दीजिए,
ठीक है। तो कई सारा जो टेक्नोलॉजीज है ना वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि अल्टरनेटिव है, हमारे भारत को इकोनॉमिक और रिसालियंट बनाएगा। वैसे ही अगर हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जो बिल्डिंग देखते हैं आप, ग्लास की, शीशे कांच की बनी हुई होती हैं पूरी इमारत। वेस्टर्न सभ्यता को हमने कॉपी किया है, मगर हमने समझा नहीं कि वो लोग ग्लास का क्यों बनाते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर हायर लैटिट्यूड में बसे हुए हैं, ठंडे प्रदेश में बसे हुए हैं, उनको हीट की ज़रूरत होती है अपने बिल्डिंग गर्म करने के लिए। जब सूरज की रोशनी आती है, कांच से पार होती है, तो बिल्डिंग में जा करके उसका जो एनर्जी है ना, सूरज का रोशनी ऊष्मा जा करके बिल्डिंग में कैद हो जाती है और बिल्डिंग गर्म रहता है। चूंकि उनका ठंडा प्रदेश है तो उनको ज़रूरत है गर्मी की, वी आर ऑलरेडी हॉट, समझ रहे बात। तो यहाँ पर अगर आप ग्लास का बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहाँ ग्लास का बनाएंगे तो वार्मिंग होगी, बिल्डिंग गर्म होगी, और उसको ठंडा करने के लिए फिर आप एसी का यूज़ करेंगे, समझ रहे बात। तो ये एक जो प्रचलन चल रहा है देखा देखी कि हाँ मानते हैं कि सुंदर लगता है बिल्डिंग कांच का बना हुआ, मगर लॉजिक लगाओ ना भाई, समझ रहे बात। खर्चा लग रहा है तुम्हारे एसी का, सेंट्रलाइज एसी यूज़ करते हो, पावर का खर्चा अलग है, बिजली बिल ये सब चीज़ें, तो क्यों ना हम लोग ग्रीन बिल्डिंग का यूज़ करें, ग्रीन बिल्डिंग का यूज़ करें। बिल्डिंग का जो पावर है वो सोलर से ले लें, कोई बाहर से पावर ना पैदा हो, सोलर एनर्जी को यूज़ करके हम पूरा बिल्डिंग का जो पावर है उसको हम लोग उसका इस्तेमाल कर लें, जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा कर दें, ठीक है। पूरी बिल्डिंग पर जो पुताई है वो हल्के रंग से करें, ताकि जो ऊष्मा पड़ रही है बिल्डिंग पर वो ऊष्मा रिफ्लेक्ट हो जाए, जो जो लाइट पड़ रहा है, मतलब अल्बेडो बढ़ा दो। अल्बेडो पता है ना क्या होता है ज्योग्राफी में, कितना रोशन टकरा करके लौटा, जैसे कि स्नो का अल्बेडो बहुत ज़्यादा होता है, काले मिट्टी का कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्बेडो बढ़ा दो, बिल्डिंग को हल्के रंग से पुताई करो, ताकि जो रोशनी है उसमें है सब लौटे और बिल्डिंग हमारा कम गर्म हो, समझ रहे हो। अब इतना तो हमको ज़रूरत पड़ गया, अब किया क्या गया है, GIHAS गिहाज, ये आपने पढ़ा होगा शंकर में, शंकर की जो एनवायरमेंट है ना वहाँ पर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग में आपने पढ़ा होगा शंकर में, यही बात होती है। जीएस का जो कंटेंट है ना उसको आपको निबंध में यूज करना होता है। अब आप कैसे यूज करते हैं ये आपके हुनर पे डिपेंड करता है, आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, समझ गए बात। तो आपने ये वाला क्या बताया, ये आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब आ जाओ हेल्थ के लिए क्या काम किया जाएगा, हेल्थ के लिए क्या काम किया जाएगा। हेल्थ के लिए सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन की समस्या होगी, फूड सिक्योरिटी की समस्या होगी। तो इसके लिए जो फूड फोर्टिफिकेशन है ना, फूड फोर्टिफिकेशन ये किया जाए, बायो फोर्टिफिकेशन इसको यूज़ किया जाए, जीन एडिटिंग करके जो मोर न्यूट्रिशियस फूड है उसको यूज़ किया जाए। अच्छा, जीन को एडिट करके आप मच्छर को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे कि मच्छर में एडिटिंग कर दिया, उसको मच्छर को ऐसा बना दिया कि इस मच्छर के जो बच्चे होंगे ना वो इम्पोर्टेंट होंगे, मतलब कि अपना ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर पाएगा, उसके बच्चे ही नहीं हो पाएंगे, तो मच्छर ख़त्म हो जाएगा फिर, समझ रहे बात। तो एडिटिंग करके आप जो हमारे पैरासाइट्स हैं, पैथोजेंस हैं, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। प्लस हेल्थ की समस्या को मतलब और ठीक करने के लिए जो वैक्सीन है नई नई वो डेवलप कर सकते हैं। हेल्थ में जो नए नए टेक्नोलॉजीज हैं ट्रॉपिकल डिजीज से लड़ने के लिए उसको आप इजाद कर सकते हैं, समझ रहे बात। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ये हो गया। और क्या है बाबू, टॉपिक आपके कई सारे और होंगे, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गया, और पावर वाला, पावर बताया मैंने आपको, पावर बताया ना अभी, हाँ सोलर विंडो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एक तो आपकी चीज़ें ये हो गई, इसके बाद आप यहाँ पर कोई बताया मैंने, हाँ देखो राजस्थान में एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट चला था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इन राजस्थान। इसे किया क्या कि जो वाटर टेबल है ना उसको और ऊपर लाया गया, जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग सब करके हाइड्रोफोनिक एग्रोफोनिक ये सब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं फार्मिंग में आप। एनर्जी में समस्या क्या थी, जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है ये बढ़ेगा जब हमारा देश डेवलप होगा, जब हमारा देश और क्लाइमेट
मतलब वार्मिंग से जूझेगा तो हमको और ज़रूरत पड़ेगी एसी की, कूलिंग की, तो बिजली का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो कर क्या सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, सोलर हीटिंग, फोटोवोल्टेइक सेल, थर्मल, जो सोलर थर्मल है पावर है उसको यूज़ करने में, उसे थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर ग्लास लगा देते थे, ये काम करता है ग्रीन हाउस का, जो जो हीट को ट्रैप कर लेता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं ना कि रोड को और छत को हम लोग व्हाइट पेंट से पेंट कर सकते हैं। जो वेस्टर्न कंट्री है ना वहाँ पर काले से पेंट किया रहता है ताकि सोखे, छत थोड़ा सा और गर्म रहे, ठीक है ना। हेल्थ वाले में क्या करेंगे, जो मोर्टेलिटी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, मैटरनल एंड न्यूनल मोर्टेलिटी दोनों, मतलब कि जो जच्चा बच्चा है दोनों स्वस्थ रहें, प्लस जो डिजीज़ है इसका स्प्रेड मिनिमम हो, उसको रोक लिया जाए, माल न्यूट्रिशन की समस्या को दूर किया जाए, जो चाइल्ड डेवलपमेंट की समस्या को दूर किया जाए, मतलब इसको ठीक किया जाए, चाइल्ड डेवलपमेंट को बढ़िया से किया जाए। तो इस सब के लिए जो टेक्नोलॉजीज है ना वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीन को एडिट करने के लिए आप जो क्रिस्पर है ना इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इस पर सवाल पहले पूछ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में अपने। फूड फोर्टिफिकेशन, बायो फोर्टिफिकेशन, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आती है सरकार ने क्या काम किया है, सरकार ने कई सारे जो मिशन है वो लॉन्च किए हैं, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके भीतर कई सारे आते हैं, जैसे कि आपका नेशनल सोलर मिशन, सोलर को प्रमोट करने के लिए नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो ये सब जो आपका प्रोजेक्ट है ना, ये सब का नाम लिखना है आपको कि सरकार ये काम कर रही है और आगे और क्या करने की ज़रूरत है, वे फॉरवर्ड में क्या। इसमें लिख सकते हैं आप कि हमारे यहाँ जो रिसर्च डेवलपमेंट है ना, हमारे यहाँ R&D पर 0.7 से लेकर के 0.8% तक ही यूज़ होता है, मतलब खर्चा होता है GDP का। जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पर 2% तक किया जाता है, तो हमको बढ़ाने की ज़रूरत है ना। जब हम लोग ज़्यादा रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो हमको नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी जिसका हम लोग यूज़ कर पाएंगे अपने देश में लड़ने के लिए क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से। तो क्यों नहीं कर रहे, नया फंड एलोकेट किया जाना चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इंसेंटिवाइज कीजिए कि आप क्लाइमेट रिसालियन टेक्नोलॉजीज में आप रिसर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ये सब पॉइंट आपको लिखना है इस एसे में, और आखिर में आपको कंक्लूड कर देना है एक बढ़िया सा देकर के। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया गया है इस एसे में, ध्यान से देखना। इंट्रो में शुरू किया किया गया है, तुलसीदास का एक कोट यूज़ किया गया है, का बरखा जब कृषि सुखाने, उस बारिश का क्या फ़ायदा जब फसल के सूखने के बाद आए, तो उसके पहले आए तब ना, ठीक है। तो अगर आपको पता रहे कि हमारा जो बार जो हमारा जैसे कि अगर अगर हमारा बारिश पर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, तो उससे बढ़िया क्या है, तो हमारा फार्मिंग को रेनफेड के बजाय इरिगेटेड बना दिया जाए, ड्रिप स्प्रिंकलर सब का यूज़ किया जाए। अगर पानी की समस्या है तो इसके लिए ये समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोग जब दवा का छिड़काव करते हैं, तो हम लोग अगर देख के छिड़काव करें कि आज बारिश होने वाली है, हम लोग नहीं देंगे दवा, क्योंकि तो दवा धुल जाएगी तो पैसे बचेंगे। तो क्या होगा, अगर हम लोग वेदर को ठीक से प्रिडिक्ट करें टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, तो हम पैसे बचा सकते हैं, दवा का जो इफेक्टिवनेस है ना उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इस तरह का आप इंट्रो यूज़ कर सकते हैं। आपने शुरू कैसे किया, आपने शुरू किया एग्रीकल्चर से। आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर केवल इकलौता सेक्टर नहीं है जो क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एनर्जी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सभी सेक्टर हैं जो जूझ रहा है आपके ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से। केवल इसी के बारे में नहीं लिखना, और भी जो टॉपिक आपको दिखे, सेक्टर दिखे आपको, उन सब के बारे में लिखना, बस उसको कनेक्ट करते चले जाना डॉट बाय डॉट। इतना ही करना है आपको इस ऐसे में। मेन स्ट्रक्चर ही होता है, मेन कंटेंट ही होता है जो आपको लिखना होता है, बाकी आपकी प्रैक्टिस से आएगा कि आप किस तरह के वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का जो कनेक्टिंग स्टेटमेंट है उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है, जैसे देखो, यहाँ तक किसने बात करी एग्रीकल्चर पर, ठीक है ना, यहाँ तक क्या बात करी गई एग्रीकल्चर पर, मगर इसने लिखा हाउएवर एग्रीकल्चर इज नॉट द ओनली सेक्टर वनरेबल टू वेगरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसको हम कनेक्टिंग सेंटेंस बोलते हैं। ये जो सेंटेंस है ना बाबू, ये ऊपर वाले पैराग्राफ को नीचे वाले पैराग्राफ से जोड़ दे रहा है, समझ गए बात। मतलब कहते हैं ना कि तुम क्यों बात बदल रहे हो, ये जो बात बदलने वाला सेंटेंस है ना वही तुमको यहां पर यूज करना है पैराग्राफ चेंज करते समय। एक सेक्टर से दूसरे पर जंप करने से पहले आपको बात ही बदलना है।
तो जो लोग बात बनाने वाले लोग हैं उनके लिए ऐसे आसान पड़ेगा, समझ गए, कनेक्टिंग सेंटेंस लिखने के लिए आसान पड़ेगा। बोल बच्चन, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपकी, आपने ऐसे लिख के सबमिट नहीं किया है, मुझे कुछ ऐसे मिले हैं मगर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि रिव्यू किया जाए। हम करेंगे क्या, आप फिर से और ऐसे बढ़िया से लिखिए जैसे बताया गया है। अगर आप केवल वही कॉपी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले लिखिए, शुरू तो कीजिए निबंध लिखना। मुश्किल काम है मैं जानता हूँ, 1.5 घंटा बैठ करके निबंध लिखना बुजदिलों का काम नहीं है, बहादुरों का काम है। तो भले ही आपका निबंध खराब है मगर आपने बैठ करके लिखा है, तो इससे बहादुरी वाली बात कोई हो नहीं सकती। ठीक है, तो बातें हो गई हमारी आज की। वीडियो अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। हम सुबह आपको नया क्वेश्चन फिर से देंगे जीएस का, ठीक है ना। मिलते हैं फिर कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।